अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नदीम। ये है ग्रेट साइंस एकेडमी और मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट वन का चैप्टर नंबर फोर। इस चैप्टर के मैं आपसे एम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तीन चैप्टर के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर इस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ये स्मार्ट सिलेबस 2021 के मुताबिक हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चैप्टर फोर के एम शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। तो पहले देखते हैं एमसीक्यूज को। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इज फुल फॉर्म ऑफ MICR। तो इस ऐसे एमसीक्यूज को याद रखना आसान होता है। एम से मैग्नेटिक, आई से इंक, तो करैक्टर रीडर। तो MICR किस लिए यूज होता है? करैक्टर को रीड करने के लिए, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। वर्ड प्रोसेसिंग डेटा पब्लिशिंग एंड रेप्रोग्राफर के दिन DMS या इसको फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है, रेप्रोग्राफर क्या है या डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है या वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये सारे आपस से रिलेटेड काम है। और जब ये ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू होते हैं तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक्स आर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन, ये सारी कौन सी एरिया में है? तो ये पता चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज कहाँ होती है, बैंक क्या काम करते हैं, मार्केटिंग किसकी होती है, तो वो बिजनेस की होती है। मैनी बैंक प्रोवाइड ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी इसको कहते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन कैन बी यूज टू विदड्रॉ कैश। इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। ये नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के, तीन नाम है, ई बैंकिंग कहें, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहें या साइबर बैंकिंग कहें। साइबर को पता है कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क इज ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होती है? ऑफिस में कंप्यूटराइज चीजें यूज करना, जो कि अभी DMS भी उसकी एक फॉर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करते हैं, रेप्रोग्राफर करते हैं, रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपी, रेप्रोग्राफर कहलाता है ये वाला। जब हम एक डॉक्यूमेंट की बहुत सारी कॉपी करते हैं तो इसको रेप्रोग्राफर कहते हैं। सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल आर पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये कंप्यूटर की मदद से कोई सॉफ्टवेयर जो है ना यूज होता है डिजाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए नहीं, सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग के लिए यूज होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAM स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसे डिजाइन करते हैं फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको फिजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। रीडिंग डाटा ऑन चेक्स इज डन बाय MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसकी मदद से चेक्स पर जो डाटा लिखा हुआ पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इंक यूज हो रही होती है। ई बैंकिंग, ई शॉपिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। जब ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं तो ये ई कॉमर्स होती है, जिस तरह वो किसकी एग्जाम्पल थी बिजनेस की। तो ये इतने ही जो बहुत अहम एमसीक्यू थे वो यही थे। अभी हम बहुत अहम पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो कम है मैं थोड़े वो डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रहे कि जो भी मैं सवाल आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत अहम है, लेकिन इन एम में आगे मैंने दो कैटेगरी बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले एम है जो आगे मैं इंपॉर्टेंट शेयर करने लगा वो एम नहीं है। इस सारे के सारे बहुत अहम है, आपने इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मार्केटिंग कौन कौन सी होती है, मार्केटिंग में क्या होता है, हम मार्केटिंग में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं, हमने चीज कैसे बेचनी है, ये सारा कुछ कंप्यूटर में हम मार्केटिंग में कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जिस तरह वीडियो में हम एक दूसरे से बात करते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल होती है, ये सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। कॉन्फ्रेंस आमतौर पर वो होती है जिसमें ज्यादा लोग आ जाए। ई कॉमर्स क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन चीज खरीदना। ई बैंकिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन अपने पैसे कहीं ट्रांसफर करना, निकालना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट रेप्रोग्राफर वगैरह, ये ऑफिस में इस तरह के काम जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं वो सारे क्या है, रेप्रोग्राफर या वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन एक ऐसा डिजाइन होता है जो इसलिए बनाया जाता है या मॉडल होता है जो इसलिए बनाया जाता है कि रियल लाइफ में वो बनाना मुश्किल हो या महंगा हो, तो पहले हम उसकी ऑनलाइन डिजाइन बनाते हैं, जिस तरह ऑनलाइन माहौल बना लेते हैं जंग वाला, पायलटों को ऑनलाइन मॉडल बना के ट्रेनिंग दे लेते हैं कंप्यूटर की मदद से, तो ये फिर वो डिजाइन बन जाता है ट्रेनिंग के लिए। अब ये सवाल भी बहुत अहम है लेकिन ये उतने अहम नहीं है जितने पिछले अहम थे। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, मैसेज को हैंडल करता है, मैसेज सेंड कैसे होगा, मैसेज रिसीव कैसे होगा, ये सब कुछ मैसेज हैंडलिंग सिस्टम हैंडल करता है।
इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर और वाई वो यूज कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ने सब कुछ आसान बना दिया है, कंप्यूटर ने फास्ट बना दिया है, जो घंटों में काम होता था वो मिनटों में होता है, तो बहुत बेसिक सी बात है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन पैसे निकालने के लिए यूज होता है, मैनी बैंक प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर में हर टाइम अब कंप्यूटर यूज हो रहे होते हैं, ऑनलाइन उनकी प्रोडक्ट का मतलब जो अकाउंट करते हैं, जो बिक्री होती है, जो बिल बनाते हैं, वो सारा कुछ कंप्यूटर ही करता है। हेप्रोग्राफ क्या होता है? रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड हेप्रोग्राफिक। कैड और कैम में क्या फर्क है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में डिजाइन किया जाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी कि बहुत चीज बनाई जाती है। कैम के क्या फायदे होते हैं? जब हम कंप्यूटर की मदद से कोई चीज कंट्रोल करते हैं तो उसमें जरा भी डिफॉल्ट नहीं रहता, सबसे बड़ा फायदा स्पीड जरा होती है, सादी कुवत कम चाहिए होती है, चीज सस्ती बन जाती है, तो ये सारे उसके बेनिफिट हैं। एडवांटेज ऑफ एटीएम, एटीएम से क्या होता है? हम कभी भी किसी भी टाइम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, हमें दूर वाले बैंक में अपने बैंक में चेक लेकर नहीं जाना पड़ता, हम जब भी जितने जरूरत होती है हम एटीएम किसी मुल्क में किसी भी जगह जो वहां अगर करीब किसी भी बैंक का एटीएम है हम पैसे निकाल लेते हैं। कंप्यूटर इन बैंक्स कहाँ कहाँ यूज होता है? जी कंप्यूटर में सारा कुछ अब ऑनलाइन अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसके अलावा एटीएम भी कंप्यूटर की है, चल है, ऑनलाइन हम पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं? दूर हमें नहीं जाना पड़ता कॉन्फ्रेंस के लिए, हम ऑनलाइन वीडियो जनरल क्लासेस भी कर सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं। सिस्टम का टास्क ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन में कौन कौन से टास्क होते हैं? टाइपोग्राफ जो सॉरी ऑफिस ऑटोमेशन में कौन से टास्क होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के टास्क हैं इसमें, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी उसमें है। जो सारे काम कंप्यूटर में पहले फिजिकल फॉर्म में पहले होते थे, अब जो कंप्यूटर के जरिए हो रहे हैं, उन जो सारे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में है, ग्राफिक्स वगैरह जितना भी काम है वो सारा। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक दारा है जहाँ पर जो सारी मुल्क की करेंसी है वो कंट्रोल होती है, कि कोई कितनी चीज तो कितना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है या कितना इंपोर्ट हो रहा है, हर चीज के शेयर होते हैं, वहां बिड कर सकते हैं बिडर। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है? ऑनलाइन शॉपिंग आपको पता है कोई भी वेबसाइट आने पर देती है, वहां आपसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये ई कॉमर्स की एक शेप है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी कमेंट में जरूर दे सकते हैं। ग्रेट साइंस अकेडमी की तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।